क्यों आ गया ना मुंह में पानी आप लोगों को भी वीडियो देखकर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चावल के आटे का पीठा, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और झारखंड ऐसे सभी ज़िलों में बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चावल का पिट्ठा रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ चावल के आटे को गूंद लिया है और ये जो इसमें मैंने स्टफिंग भरने के लिए बनाई है, ये इसमें नारियल, गुड़ और चीनी है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से भून करके कढ़ाई में निकाल के यहाँ ठंडा कर लिया गया है और उसके बाद फिर इसे मुलायम से आटे को गूंद करके थोड़ी देर रख देंगे, जिससे क्या होगा कि आटे बहुत अच्छे फूल जाएंगे। और ये जो चावल का आटा होता है उसमें हल्का सा नमक दे देना चाहिए। नमक दे के अगर बनाते हैं हम आटे की कुछ भी चीज़ तो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं, इसीलिए मैंने आटे में थोड़ा सा नमक और गर्म पानी से इसे गूंदा है। और ये देखिए, गोल बना करके मैं इसे लोई, उसके बाद इसमें भर लूँगी स्टफिंग जो मैंने तैयार करी है। उसके बाद फिर ये देखिए, यहाँ पर एक वो स्टफिंग थी, एक यहाँ पर है मावा और चीनी। मावा और चीनी की अलग से गुजिया बनेगी। गुजिया इसलिए बोला मैंने क्योंकि गुजिया के स्टाइल में ही बनाई जाती है, तो इसे पिट्ठा बोलते हैं कि चावल का पिट्ठा। वैसे तो खाई हर एक मौसम में जाती है, लेकिन स्पेशली पूस के महीने में बनाई जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी भी मन हो खा सकते हैं। और जो पुरानी विधि थी इसे भापने की चूल्हे पे, देखिए वैसे ही चूल्हे पे भाप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ऐसी सुविधा अगर नहीं है तो लोग बहुत से अभी मॉडर्न हो गए हैं तो गैस चूल्हे पे भी बनाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसा बनेगा। हाँ, बस प्रोसेस अच्छा रहेगा, सही चीज़ें उसमें डाली जाएंगी तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बन के तैयार है। इसके बाद ये जब ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर जब ये बासी हो जाता है तब बहुत टेस्टी लगता है। गरम गरम बहुत से लोग खाते हैं इसे गुड़ के साथ, गुड़ में डुबा कर, क्योंकि गुड़ जो पतला वाला गुड़ आता है उसमें रावा गुड़। ये देखिए, इसमें भरा हुआ है खोया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद फिर एक और जो है पिट्ठा, देखिए इसमें गुड़ भरा हुआ है, गुड़ नारियल, तो ये देखिए कुछ अलग दिख रहा है। दोनों का टेस्ट अलग है, लेकिन खाया दोनों जाता है। और भी बहुत तरह के पिट्ठा बनाई जाती है, ये हमारे यहाँ का पिट्ठा है। तो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट।